वचन के अनुसार एक ओर तो मूसा परमेश्वर की महिमा देखने की प्रार्थना करता है, तो दूसरी ओर जब परमेश्वर के भवन में उनकी महिमा युक्त हजूरी को यशाया नबी ने देखा तो वो डर गया। पुराने नियम में ये बात मानी जाती थी कि परमेश्वर की महिमा के तेजस्वी रूप को देखकर कोई बच नहीं सकता। हमारा उनके स्वरूप में बनाया जाना और उनकी महिमा का क्या संबंध है और इसका सही अर्थ क्या है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सुनते हैं पहले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने यशाया नबी की पुस्तक उसका 60वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं पीतल के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहर पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी ठहरेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक समर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो, आमेन। पौलुस रसूल के अनुसार हम भी एक दिन महिमा भरी अवस्था में प्रभु यीशु के साथ होंगे। इस महिमा का सही अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन में जो ये ग्लोरी या महिमा जो इंसान की है उसके बारे में लिखा गया भजन संहिता 72 की 19वीं आयत, उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। ये राजा दाऊद लिखता है और जो भी हमने पढ़ा था यशाया नबी का 60 तो उसका 19वां अध्याय, सूर्य तुम्हारी रोशनी नहीं होगी दिन में, ना रात में चांद तुम्हारे लिए रोशनी देगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर तुम्हारी सदा के लिए लाइट होगा और तुम्हारा परमेश्वर एलोहिम तुम्हारी महिमा होगा। जो इब्रानी भाषा के शब्द हैं कबोर या शकीना या ग्रीक भाषा का शब्द डॉक्सा, इन सब का मतलब ग्लोरी महिमा या स्प्लेंडर, वैभव, सोल अंतर्मन या सुंदरता या फिर अडोनमेंट जो सुंदरता के लिए लगाया जाता है। कबोर जो है वो परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं, उनके गुण हैं, जबकि शकीना टोटैलिटी है, उसका सब कुछ है, जो सब उनके गुण हैं वो सारे प्रकट होते हैं। प्रभु यीशु जब आते हैं दुनिया में तो वो शकीना जो ग्लोरी है परमेश्वर की उसमें आते हैं, लेकिन कबोर जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको वहीं छोड़ देते हैं स्वर्ग में, जो पौलुस रसूल कहते हैं खाली होकर वो आते हैं। भजनकार परमेश्वर की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चाहता है कि पूरी धरती पर भर जाएं, जबकि यशाया नबी का वायदा ये है जो परमेश्वर की तरफ से आता है कि परमेश्वर इंसान में रहेंगे और परमेश्वर की महिमा उसकी रोशनी होगी उसे सही रास्ता दिखाने के लिए। परमेश्वर की महिमा जो है उसे वजन के तौर पर भी कहा जाता है, कि वजन जो उनकी एसेंस है। एक डेमोनिक स्पिरिट जो दुष्ट आत्मा जब किसी के अंदर अपना प्रवेश करती है तो उस इंसान के अंदर अपना वजन डालती है कि उसके जो पैर शरीर उसका भारी लगने लग जाता है और थकावट में उसे महसूस होती है। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में यह आमतौर पर देखा जाता है। जो नेचुरल चीजें हैं उनकी महिमा, उनकी इनहेरेंट जो उनके अंदर खूबियां उसके अनुसार होती है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय की 41वीं आयत में लिखा है, सूरज की महिमा, चांद और तारों की महिमा सब अलग अलग है, उनकी चमक के अनुसार है वो। यशाया नबी 60 का 13वीं आयत में लिखा है, एक जंगल की जो उसकी उसके अंदर फल मिलते हैं उसके साथ उसकी शोभा है। अय्यूब 39 की 19वीं 20वीं आयत में लिखा है,
एक घोड़े का उसका बल और जो स्नॉटिंग जो उसके नाक से आवाज निकलता है वो उसके साथ उसकी शोभा है, और उसके जो उसके ऊपर कपड़े पहनाए जाते हैं या उसके ऊपर जो वो ऑर्नामेंट्स लगा दिए जाते हैं। इंसान की महिमा में दोनों चीजें हैं, अंदरूनी और बाहरी मैनिफेस्टेशन दोनों है उसमें। जिस प्रकार सोसाइटी में उसका रुतबा क्या है, उसके पास और क्या कुछ धन दौलत क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी उम्र की लंबाई कितनी, कितने साल हो गए हैं, ये उसका बल कितना है, ये सब बाहरी महिमा के दर्शक हैं, सूचक हैं। लेकिन जो उसका करैक्टर है, दूसरों के साथ व्यवहार क्या है, ये उसकी अंदरूनी महिमा है। उत्पत्ति 45:13 में यूसुफ की महिमा मिस्र में जो उसकी अथॉरिटी थी वो माना जाता है। भजन संहिता 21:5 में दाऊद की महिमा जो परमेश्वर के द्वारा उसे दी गई मुक्ति, उसे आदर और जो उसकी वो राजा की मजिस्ट्री थी वो उसकी महिमा है। जो मटेरियल पोजेशंस है, धन दौलत है, उसकी महिमा। अगर देखें उत्पत्ति 30:43 में याकूब की महिमा, उसके जो भेड़ बकरियां जो पूरी बहुत ज्यादा थी, दास और दासियां जो थी, ऊंट और गधे जो उसकी उसके पास इतना धन दौलत था वो उसकी महिमा थी। भजन संहिता 49 में 16:17 आयत में लिखा है धनी पुरुष का जो धन है वो उसकी महिमा है। नीति वचन 31 में 23-25 तक एक आइडियल वाइफ जो एक पत्नी है जो के गुणों से युक्त है वो अपनी पति की महिमा है। अय्यूब 29 में 20 आयत में लिखा है एक जवान व्यक्ति की उसका बल उसकी महिमा है। नीति वचन 16 अध्याय उसकी 31 आयत में जो एक बुजुर्ग है उसकी लंबी उम्र उसकी महिमा है, सफेद बालों को महिमा माना जाता है। भजन संहिता 8:5-8 आयत तक दाऊद कहते हैं इंसान को परमेश्वर आपने स्वर्ग दूतों से थोड़ा सा नीचे बनाया और फिर आपने उसे महिमा युक्त कर दिया, उसे आदर दिया और फिर आपने अपने हाथों की बनाई हुई हर चीज के ऊपर उसे अधिकार दे दिया। ये परमेश्वर ने अपनी क्रिएशन में जो अपने इंसान को बनाया वो उसे दिया और फिर उन्होंने अपने पुत्र को वापस भेज दिया इस दुनिया में, वापस मतलब क्रिएशन के टाइम पर भी वो थे और फिर यहां आते हैं हमें रिडीम अपना छुटकारा देने वाला बनकर। यूहन्ना 17:5 में प्रभु यीशु के अपनी जो महिमा परमेश्वर के साथ पिता के साथ थी दुनिया में कुछ भी बनाए जाने से पहले उसकी बात करते हैं। और फिर परमेश्वर की जो महिमा है वो किसी एक्सटर्नल जो बाहर दिखा हुआ उस पर मोहताज नहीं है, परमेश्वर की महिमा इंडिपेंडेंट है इन चीजों से। मूसा परमेश्वर के बारे में एक रेवलेशन पाता है कि परमेश्वर की जो महिमा है उसकी जो नेचर है वो सिर्फ दिखाई देती, रिवील्ड जो दिखाते हैं वो जो के प्रभु यीशु में आती है। और फिर वो मूसा उन्हें ट्रांसफिगरेशन के समय ही देख सकता है, वहां पर परमेश्वर उसे अपनी महिमा पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं, उनके पुत्र के रूप में देखता है वो। उत्पत्ति 3:21 में आदम और ईव पाप में आने के बाद में परमेश्वर उन्हें अंगरखे पहना देते हैं जो के चमड़ी के हैं, ताकि जो परमेश्वर की आत्मिक महिमा उसमें थी वो उसमें कवर कर दी जाए, और जो इंसान की जो उस आत्मिक महिमा थी उसे कवर कर दिया जाता है ताकि वो इस दुनिया में फिर उसे पूरी तरह जाहिर नहीं कर सकता है। रोमियो 8:30 में जो विश्वासी हैं उनका जो आखिरी स्टेज है वो परमेश्वर की हजूरी में होना और उस जो खोई हुई महिमा है उसे पूरी तरह प्राप्त करना है। महिमा क्या है और उसे प्राप्त करना, यही इंसान का फाइनल डेस्टिनेशन है और ये सारा जीवन उसी के लिए है। क्या सब विश्वासी परमेश्वर के सामने उस महिमा को पाएंगे और इसका तरीका या प्रोसेस क्या है? जब आदम और ईव को परमेश्वर ने वो अंगरखे पहनाए तो जो परमेश्वर की अक्ष और रूप में उसे बनाया गया था उसे ढक दिया गया ताकि वो उसके द्वारा इस संसार को प्रभावित नहीं कर सकता था। उससे पहले वो सब करता था और फिर वो आत्मिक चीजें भी नहीं देख सकता है, आत्मिक बातें भी पूरी तरह नहीं देख सकता है। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 9-10 आयत में हम देखते हैं शैतान परमेश्वर के सामने है और वो देख लेता है कि बाड़ा लगाया हुआ है अय्यूब के चारों तरफ, वो सब चीजें देखता है।
दूसरा राजा छठा अध्याय 16वीं 17वीं आयत में हम देखते हैं एलीशा नबी का जो सर्वेंट है गिहाजी वो सीरियन सेना को देखता है उनके चारों तरफ लगी हुई, लेकिन जो अग्निमय रथ और घोड़े स्वर्गीय सेना लगी हुई पहाड़ी के ऊपर चारों तरफ वो उसे तभी देख सकता है जब एलीशा नबी की प्रार्थना के बाद में परमेश्वर गिहाजी की आत्मिक आंखें खोल देते हैं। यूहन्ना 17:22 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जो महिमा आपने पिता मुझे दी थी मैं वो महिमा इन्हें देता हूं, जो दूसरे आदम की महिमा है, प्रभु यीशु दूसरे आदम है, वो विश्वासियों को दे दी जाती है और फिर कुछ चुने हुए लोगों को जो दूसरा कुरिन्थियों 12:4 में और प्रकाशित वाक्य 1:10 में हम देखते हैं पौलुस रसूल और यूहन्ना नबी को अद्भुत प्रकाशन मिलते हैं, उन्हें स्वर्ग और के बारे में दिखा दिया जाता है और आगे क्या होना वो सब दिखाया जाता है। पाप के आने के बाद में इंसान अलग अलग फेजेस से गुजरा जिसके साथ वो शुद्ध किया जा सके ताकि वो परमेश्वर की महिमा तक पहुंचे। सबसे पहला है चेतावनी का फेज, उत्पत्ति 4:7 में कायन को परमेश्वर वार्निंग देते हैं कि पाप तेरे दरवाजे पर खड़ा है और उसकी इच्छा तेरे लिए है और तुम्हें इस पर अधिकार जमाना है। उत्पत्ति 6:9-12 तक नूह को पाया जाता है अपने लोगों में धर्मी और फिर परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं तू जहाज बना और उसे अपने पुत्रों के साथ 120 साल लग जाते हैं उस जहाज को बनाने के लिए। उस समय तक कभी बारिश नहीं हुई थी धरती के ऊपर, कहीं समुद्र नजदीक नहीं था। नूह जब वो बनाता सबने उसके पूछा होगा और वो बताता रहा कि परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है लेकिन किसी ने सुना नहीं। दूसरी जो स्टेज है वो अलहदगी की है, सेपरेशन की। उत्पत्ति 12:3 में परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं तुम अपने मुल्क से अपने परिवार से अपने पिता के घर से निकल उस धरती पर चला जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अपने परिवार के जो कस्टम्स हैं उनका जीवन शैली है उससे अलग हो जा ताकि तुम यहोवा परमेश्वर की टेस्टिमनी विटनेस बनो सबके सामने और फिर तुम्हारे द्वारा इस धरती के सब परिवार आशीष पाए। उत्पत्ति 13:11-13 में हम देखते हैं लूत धर्मी अब्राहम से अलग हो जाता है और फिर वो सोडोम के पास जाकर अपने तंबू लगा लेता है और सदोम जहां पर के लोग बहुत ज्यादा दुष्ट थे उसका वहां जाना उन लोगों को वार्निंग देने के लिए था। लेकिन उत्पत्ति 19:1 में हम देखते हैं लोग तो सदोम में अंदर जाके रहने लग जाता है और फिर वहां का वो एक जज बन जा एल्डर बन जाता है और वो सदोम के गेट पर बैठा है जब स्वर्गदूत वहां जाते हैं बर्बादी के लिए। इसके कारण लोत ने जो उसके पास का सब कुछ तो खो ही दिया लेकिन उसकी दो बेटियां उसके साथ इंसेस्ट भी कमिट कर देती हैं, उसके दो बेटे पैदा होते हैं आगे। इसहाक और यकूब ने अपने लिए पत्नी चुनी अपने ट्राइब के लोगों से जबकि इसाओ ने कनान की औरतें अपनी अपने लिए पत्नियां चुन ली और इसहाक और रिबेका को उससे बहुत ज्यादा दुख भी हुआ। निर्गमन 4:22-23 में हम देखते हैं परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं कि जाओ फिरौन को कहो जो इजिप्ट का राजा है कि इज़राइल मेरा पुत्र है मेरा पहलौठा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरे पुत्र को जाने दो ताकि ये मेरी सेवा करे। यहोशू 6:18 में यहोशू को भी इसी प्रकार आज्ञा दे दी जाती है कि कनान देश के अंदर जितना कुछ है उसे सबको बर्बाद कर दो, कहीं ये ना हो कि तुम 18:18 में तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो, सब कुछ बर्बाद कर दो, कुछ भी रखना नहीं कनान का। उन्होंने परमेश्वर ने इसराइल को इसलिए अलग होने के लिए कहा ताकि जो दूसरे देश हैं उनके जो चीजें हैं उनकी कस्टम रवायतें हैं उनसे अलग हो जाए, उनकी जो ट्रेडिशन उनसे अलग हो जाए, नहीं तो उनके उन्हीं को फॉलो करने लग जाएंगे जो कि बाद में हो भी जाता है। निर्गमन 25:8 में सेपरेशन के लिए परमेश्वर ये आज्ञा देते हैं मूसा को कि तुम एक निवास स्थान बनाओ मेरे लिए, टैबरनेकल बनाओ
ताकि मैं इजरायलियों के बीच में रहूं, ताकि वो बिन रहें दूसरों, किसी का और का परमेश्वर उनके साथ नहीं है, उनके वज़ीरे बुत हैं। तीसरी स्टेज क्या है? एक नया जीवन शैली देते हैं परमेश्वर। उत्पत्ति 20 से 23 तक परमेश्वर 10 आज्ञाएं देते हैं और फिर इजरायलियों के रोज के जीवन के लिए आज्ञाएं दी जाती हैं। उत्पत्ति 25 से 31 तक परमेश्वर फिर डिटेल प्लान देते हैं उस टैबरनाकल के लिए, महायाजक के कपड़े, उनका ऑर्डिनेशन के बारे में और बाकी जो प्रीस्ट है उनके बारे में, जो आराधना उसके प्रोसीजर सब कुछ उसे क्लियर बताया जाता है। और मूसा को जो स्वर्गीय टैबरनाकल है उसका एक खाका भी दिखा दिया जाता है ताकि उसके अनुसार ये बनाए। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 28 में मूसा लोगों को फिर बता देता है जो आशीषें उन्हें मिलेंगी अगर वो आज्ञाकारिता में रहते हैं। आशीषें पहली 14 आयत में, 15 से 68 तक फिर वो श्राप भी बता देता है जो अगर आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर आएंगे, और ये सब उनके ऊपर आते हैं। इजरायली आज्ञाकारिता ना करने के कारण ये सब श्राप भुगतते हैं। चौथी स्टेज है परमेश्वर के द्वारा अपने नबियों के द्वारा अपने संदेश भेजना, चाहे फिर वो शमूएल है, एलाइजा या एलाइशा है, एज्रा है, नहमाया है या यशाया है या कोई और प्रॉफिट है, वो सब परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर की तरफ से लोगों के पास लेके आते हैं ताकि वो परमेश्वर की तरफ बदले। इब्रानियों की पुस्तक पहला अध्याय पहली आयत में लिखा है जब सब नबियों के ये एफर्ट फेल हो जाते हैं तो परमेश्वर फिर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करते हैं, वही पुत्र जिसके द्वारा उन्होंने इस संसार की हर चीज की रचना की थी। पांचवी स्टेज है तौबा करना और फिर मुक्ति, रिपेंटेंस और रिडेम्पशन। परमेश्वर के पुत्र ने सिर्फ परमेश्वर की महिमा ही अपने अंदर प्रकट नहीं की अपने अंदर और अपने कामों के द्वारा, बल्कि उन्होंने हमें अपने पापों से शुद्ध कर अपने लहू को बहाकर हमें अपनी पाप भरी अवस्था से छुटकारा दे दिया। रोमियों 1:17 में जो नया जन्म और नए जीवन के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं वो उनके लिए है जिनके पाप माफ कर दिए गए हैं ताकि वो विश्वास के द्वारा रहें। छठा है सैंक्टिफिकेशन या अलहदा किया जाना या पवित्र किया जाना। रोमियों 6:30 में परमेश्वर ने अपनी जो पहले की उनके बारे में ज्ञान था लोगों के बारे में उसके अनुसार पहले ही निश्चित कर दिया कि जो चुने हुए लोग हैं वो कौन होंगे और जो परमेश्वर के पुत्र को अपना मुक्तिदाता जानेंगे और उसके द्वारा फिर उद्धार पाएंगे। पेंटेकोस्ट के दिन फिर इन सब को पवित्र आत्मा परमेश्वर की आशीष मिलती है जो परमेश्वर हमारे भीतर आकर रहते हैं। योहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु कह देते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे और जो वचन मैंने बोले, प्रभु यीशु ने जो बोले हैं वो सब वचन तुम्हें याद कराएंगे। और इस प्रकार ये हर रोज की तौबा और हर रोज हमारा वचन को पढ़ना, आत्मा की आज्ञाकारिता में चलना एक विश्वासी को उस अलहदगी के पवित्रता के रास्ते पर लेके चलता है, हर रोज पवित्रता की तरफ बदलता जाता है ताकि वो मुक्तिदाता के अक्ष और रूप में बदले। सातवां है ग्लोरिफिकेशन, महिमा। फाइनली योहन्ना 17:22 में पहला फेज जो है ये कंप्लीट हो जाता है जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने वो महिमा इन्हें दे दी है। दूसरे आदम की महिमा विश्वासियों को दे दी जाती है। दूसरा करिन्थियों 3:18 में पौलुस रसूल इसी को आगे कहते हैं कि हम महिमा दर महिमा बदलते जाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बदलता रहता है। इसका दूसरा फेज है फाइनल ग्लोरिफिकेशन, फाइनल महिमा हमें पाना हमने जो कि हम परमेश्वर के सामने स्वर्ग में पाएंगे। रोमियों 8:17 में हम प्रभु यीशु के साथ उनके सह जॉइंट हेयर्स हैं और उनकी जो हम दुखों में भागी होते हैं फिर उनके साथ उनकी महिमा के भी हम भागीदार बन जाते हैं। ये फाइनल महिमा जो है ये हम स्वर्ग में पाएंगे। महिमा हमें सेकंड आदम की यहाँ मिल गई है। प्रतिदिन हम बदलते जाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा, हमारा स्वभाव बदलता है और फिर फाइनली हम उस अद्भुत महिमा को पाएंगे।
जब परमेश्वर हमें इस जीवन में महिमा या ग्लोरी से भर देते हैं तो क्या होता है ताकि हम इसकी पहचान कर सकें? पहला जो बदलाव आता है वो ये है कि परमेश्वर अपने पुत्र की महिमा हमें देते हैं, जो सेकंड एडम वाली महिमा थी। अफसियों के दूसरा अध्याय 6 में हम देखते हैं परमेश्वर ने प्रभु यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा रखा है, विश्वास में हम उनके साथ बैठ जाते हैं और हमें हर तरह की आत्मिक आशीष दी गई है। जब परमेश्वर हमें ये महिमा देते हैं तो फिर हम आशीष पा लेते हैं कि हम उनकी जो इन्फिनाइट जो अद्भुत सुंदरता है उसमें हम बदलने उसके अक्ष और रूप में बदलते बदलते जाते हैं ताकि हम दूसरों पर जाहिर कर सकें। जितना हम बदल सकते हैं उतना वो बदलते जाते हैं। दूसरा फिर हमें मिलता है आशीष कि जो हमारा हर दिन का वो कराहना है वो बदल कम खत्म हो जाता है और हमें एक अद्भुत नया शरीर भी मिलता है। रोमियो 8:21-23 में आयत में गिरावट के बाद में पूरी सृष्टि ही उसके दास्ता में आ जाती है और विनाश की दास्ता है वो, और फिर इसे भी इंसान के साथ ही उसी परमेश्वर के बच्चों के साथ उसी अद्भुत आजादी में लेके जाना है, वो परमेश्वर लेके जाएंगे फाइनल उनके आने के समय। पहला कुरिन्थियों 15:42-43 में आयत में हम देखते हैं हमें प्रभु यीशु के साथ अविनाशी रूप में पेरिशेबल में हमें बोया जाता है और हम अविनाशी रूप में इम्पेरिशेबल में उठ करते हैं। हमें डिसऑनर लज्जा से बोया जाता है और फिर हम महिमा में उठते हैं। फिर वो दर्द फ्रस्ट्रेशन बीमारी डिसेबिलिटी कमजोरी वो सब कुछ खत्म होती है और हम परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु की महिमा प्रकट करते हैं दूसरों के ऊपर। तीसरा है हमारे भीतर वो परमेश्वर की महिमा की जो सुंदरता है वो पवित्रता में आने लग जाती है और ये सैंक्टिफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा हमें अलहदगी परमेश्वर के साथ अलग कर दिया जाता है दूसरे लोगों से। हम इस दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं और फिर हम पवित्रता की जो सुंदरता है वो हमारे भीतर आती है और हमारे विचारों को हमारी भावनाओं को हमारी इच्छाओं को बदलती है जो कि फाइनली पूरा होगा प्रभु यीशु के दोबारा आने के साथ। सैंक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जो हमें अंदर से बदलता है, शारीरिक तौर से भी बदलता है और आत्मिक तौर पर भी बदलता है, और इसका जो पवित्रता की तरफ जो शुरुआत है वो हमारी रिजरेक्शन के समय पर पूरा होगा जो हम वो महिमादायक शरीर पाएंगे। और फिर इसका जो परमेश्वर द्वारा हमें महिमा की दी गई है इसका असर हमारे जीवन क्या होता है। मत्ती 14:25-33 में आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु पानी पर चलकर आते हैं और तूफान चारों तरफ है। पत्रस रसूल कहते हैं प्रभु अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए मैं भी आ जाऊं। बदलाव आता है उनमें और वो तूफान में उस किश्ती की जो सेफ्टी है उसे छोड़कर पानी पर आ जाते हैं। जब तक उनकी नजर प्रभु यीशु पर टिकी रहती है तब तक वो पानी पर चलते हैं और जो ही नजर हटती है तूफान की तरफ वो डूबने लगते हैं और प्रभु यीशु उन्हें बचा लेते हैं। हमारा शरीर फिर इस दुनिया के जो कानून है उनसे अलग हो जाता है। प्रभु यीशु पर नजर बनाए रखना उनके ऊपर बने रहना ताकि हम उनके जैसे बनते जाएं। मार्कुस 5:29-30 में आयत में हम देखते हैं और जो 12 साल के लहू बहने वाली औरत थी प्रभु यीशु के कपड़ों को छूकर चंगाई पा लेती है। प्रेरितों के पुस्तक 5:15 आयत में हम देखते हैं बीमारों को गलियों में चारपाइयों और काउचेस पर लटा दिया जाता है कि पत्र रसूल वहां से जब गुजरेंगे उनकी छाया उस पर पड़ जाए तो वो चंगाई पा लेंगे। प्रेरितों के पुस्तक ही 19:12 आयत में हम देखते हैं कि हैंकरचीफ और जो कपड़े उनके टुकड़े छू पौलुस रसूल की शरीर को छू देते हैं और फिर उन्हें ले जाकर बीमारों को छुआ जाता है और बीमारियां निकल जाती हैं, दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर भाग जाती हैं। जो महिमा एक विश्वासी की है जो परमेश्वर से मिलती है फिर वो उन्हें अद्भुत आशीषों से भर देती है, शक्तियों से भर देती है जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें मिलती है और फिर ये हमें स्वर्ग राज्य का सिटीजन बनाने के बाद में साथ साथ हमारे भीतर वो मुक्ति की रोशनी बढ़ती है ताकि फिर प्रभु यीशु के नाम में हम दूसरों को भी अंधेरे की ताकतों और पाप और शैतान की के शिकंजे से निकाल सकें।
कौन लोग हैं जो महिमा पाएंगे? जो गोल्डन चेन है रोमियो 8:30 में वो बिल्कुल क्लियर है। पहला है उसमें जो सेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, इस चेन में अभी यहां नहीं लिखा हुआ है, बाकी जगह लिखा हुआ है। वहां लिखा है जिन्हें उन्होंने पहले से जाना उन्हें ठहराया, और जिन्हें ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें जस्टिफाइड भी किया, उन्हें उनके पाप भी माफ किए गए, और जिनके पाप माफ किए गए उन्हें महिमा भी मिली। परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं, और ये मुक्ति से कहीं आगे है सर, मुक्ति तो पहला ही स्टेज है, और ये जो काम है ये हो चुका है, पास्ट टेंस में है, कंप्लीट हो चुका है, और ये वापस नहीं लिया जाएगा, पूरा हो चुका है, ये इसे वापस नहीं किया जा सकता है, और ये चेन जो है अनब्रोकन है, और ये हमें महिमा में जाना ही जाना है, और ये उन्हें मिलेगा जिन्हें बुलाया गया है और जो विश्वास में चलते हैं, ताकि वो प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लें, अपना अवेनु मालकेनो, हमारा पिता और हमारा परमेश्वर मान लें। ये जो नए नियम में ये महिमा किस प्रकार होती है, मार्कुस 14:24 में अगर हम देखें तो आखिरी जो भोज है, लास्ट सफर है, उसमें प्रभु यीशु कहते हैं ये मेरा लहू है जो नई वाचा में बहाया जाता है बहुत लोगों के लिए। वो जो प्रोफेसी जो पहले भविष्यवाणियां हो चुकी थी यर्मिया 31:34 में आयत तक, के विश्वासियों को नया मन और नई आत्मा दी जाएगी, एजेकियल नबी में की पुस्तक में 36:26-27 में आयत में वो पूरा होता है, जब पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरते हैं, क्योंकि वहां प्रोफेसी थी कि ये लोग मेरी आज्ञाओं को मानेंगे और हम मेरे नियमों को मानकर उनके अंदर चलेंगे। इब्रानियों के पुस्तक 8:6 में हम देखते हैं नई वाचा में परमेश्वर हमें सिर्फ पुराने उससे बदल ही नहीं देते हैं, बल्कि अपने वायदों में हमें लेकर आते हैं, वायदों में हमें चलना सिखाते हैं, और हमारे अंदर ओबीडियंस भी लेकर आते हैं ताकि हम आज्ञाकारिता में चलें। हमें परमेश्वर की महिमा की तरफ एश्योरेंस ही नहीं दी गई कि हमें यहां मिलेगी और स्वर्ग में मिलेगी, मेरे पाप जो थे वो स्लीब के ऊपर उस नेल्स के साथ लगा दिए गए, और प्रभु यीशु की जो धार्मिकता है वो मुझे सदा के लिए दे दी गई, सदा के लिए दी गई है, और मैं परमेश्वर की महिमा में इस जगह पर इस दुनिया में हूं, सेकंड एडम की महिमा, और फिर ये महिमा सदा के लिए मेरे पास है जब तक मैं यहां दुनिया में हूं, और उठाए जाने के बाद में फिर मुझे परमेश्वर की महिमा संपूर्ण रूप से मैं उसमें हो जाता हूं, क्योंकि हम आमने सामने हैं परमेश्वर को, हम देखते हैं फिर, और फिर उस महिमा में हम चलते हैं। कितनी अद्भुत आशीषें हमें दी हैं मुक्तिदाता ने, सिर्फ हमें मुक्ति ही नहीं दी बल्कि इतनी अद्भुत आशीषों से भर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर आशीष के लिए, हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जो महिमा आपने हमें दी है हम उसमें चलते रहें, आपके वचन को वो सिखाते हैं, याद कराते हैं, ताकि हम आज्ञाकारिता में चलें, आप हमें आज्ञाकारिता में चलाते हैं ताकि हम कहीं भटक ना जाएं, आप अपने स्वर्ग दूतों को लगा देते हैं ताकि हम कहीं ठोकर ना खाएं, आप हमें आशीष बना देते हैं दूसरों के लिए, आपके बल और शक्ति से भरे हुए फिर हम दूसरों को चंगाई देने के लिए बनाए गए, दूसरों को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बनाए गए। पिता परमेश्वर, ऐसी अद्भुत आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इसी तरह हमें आशीष में बनाए रखें ताकि हम आपका नाम इस दुनिया पर दूसरों के सामने जाहिर करते जाएं, आपकी महिमा प्रकट करते जाएं। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु का वादा है कि मेरे पिता के घर में बहुत रहने के स्थान हैं और मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने हमें वापस आकर साथ ले जाने का भी वादा किया है। हम आनंदित हैं क्योंकि यहाँ भी हम उनकी हजूरी में हैं और स्वर्ग में भी रहेंगे सदा के लिए। बस इसी महिमा की तो हमें जरूरत है, इसके आगे और चाहिए भी क्या। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।